Good morning, everyone. Today, I am Priya Raina from Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to you all in this good morning, beautiful everyone. Sunday morning. Good morning, Priya. Good morning. Good morning, good morning, ma'am. Good morning. Love to see your voice. Love to good see your morning, name all. On the screen. Good morning. Good morning. Thank you so much. Good morning. Good morning. Good morning. So happy to see you all in this beautiful Sunday morning. Sunday yeah. is good supposed, good supposed good to be morning. Like we all used to be blessed on the bed till late. Blessed yes, morning. Yes, thank you so much. Thank you so much for your blessings, Auntie. Always thank you from the bottom of our hearts, from everyone actually. Yeah, today I, Priya Nehra, on behalf of Honorable Dr. Deepti Verma, welcome you all. And as we all know that we are in this beautiful magical journey of the magic book and the creative visualization. And we are on the journey to make our life breathtaking, awe-inspiring and exciting as always. So yeah, I'm opening the book right now. I'm sharing the screen with you. Yes. So from here, we have to start today. And Dishant will be reading for us. Dishant, are you there on the call? Yep. Yes. Yes. Yeah. So happy to see your photograph, Dishant. Thank you so much. And yeah, from here, we have to start. A great mystery is revealed. So yesterday we studied about the thing ki kis tarha se magic jo hai, ye jo gratitude jo word hai, uske baare mein yesterday hum logon ne jana bahut achhi tarike se ki gratitude kis tarha se hamari life mein chote se chote cheezon ko change kar sakta hai. Abhi unhone reveal nahi kiya hai, there is something. To ye jo ye mystery hai na, ye mystery ki kis tarha se hame pata bhi nahi chalta ki जो मैजिक है वो इनविजिबल रेलम से हो रहा है. जस्ट सपोज आपको किसी भी काम का होता है कि हाँ दिस वर्क इज गोइंग टू हैपन और नॉट, ना यू आर इन द ओब्लिवियन समटाइम्स कि पता ही नहीं ये होगा कि नहीं होगा. एंड यू प्रैक्टिस दिस मैजिकल लाइक जो भी प्रैक्टिस हमें दे रखी होती है एक फेथ के साथ हम उसको प्रैक्टिस करते हैं. और जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, जो हम में से लाइक पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोगों को पता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे यूनिवर्स ने वो काम हमारा कर दिया और किस तरह से हम लोग उस काम में मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसको हम कम क्रॉस कर पाए, हम उसको ओवरकम कर पाए किसी भी चैलेंज को, वो हमें पता नहीं चलता. वो कैसे पता नहीं चलता? बिकॉज दैट्स अ मिस्ट्री. वो अभी भी इनविजिबल रेल्म में जो यूनिवर्स हमारे लिए करता है, और यूनिवर्स करता है मतलब एक्चुअली क्या है, हम ही करते हैं ना वो, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल दोज पावर्स, वी आर द क्रिएटर ऑफ आर लाइफ. सो रोंडावन आज वो बताएंगी कि जो मिस्ट्री है ये किस तरह की मिस्ट्री है और ये किस तरह से सबके सामने रिवील करी गई है ना. जैसे पहले क्या होता था, अभी तो बहुत सारी कंट्रीज में मतलब ऑलमोस्ट जितने भी 197 कंट्रीज उनमें से बहुत सारे कंट्रीज में हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग सब सभी को अपनी राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होता है. हम सरकार को चुनते अपने आप हैं, है ना. तो हमें सब कुछ पता होता है कि कैसे क्या चल रहा है, कुछ पॉलिसीज अगर आनी होती है तो पहले डिस्कस किया जाता है. बट पहले एंशियंट टाइम्स में ऐसा नहीं था. जो सारी की सारी जो जो भी वो था ना कि राज्य था, वो पर्टिकुलरली किसी एक फैमिली के हाथ में होता था या किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल पीपल के हाथ में होता था. तो दे वुड लाइक डू एनीथिंग, लाइक वो अपने आप से अपनी तरह से हिस्ट्री को वो मोल्ड कर सकते थे. बहुत सारी जगहों में उन्होंने कोशिश भी किया कि हिस्ट्री को उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी नजरों से लिखा, अपने फेवर में लिखा, राइट. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज अ मिस्ट्री सिंस देन, एंड इट हैज बीन लाइक बीसी से, मतलब 2000 ईयर्स अगो, मतलब 2000 ईयर्स अगो बीसी से, फ्रॉम द लाइक बिफोर द डेथ ऑफ इवन द क्राइस्ट वॉज बॉर्न, तब से ये मिस्ट्री चला आ रहा है. बट इट इज गोइंग टू बी रिवील्ड नाउ, है ना. और हम लोगों के सामने तो रोंडा बर्न ने मेरी लाइफ में अब जब रिवील किया तब रिवील किया, 1.5 साल पहले रिवील हुआ था. बट धीरे धीरे करके जिस तरह से कम्युनिटी में जाएगा, पीपल के बीच में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो हम सबको पता चलेगा ना इस पर्टिकुलर चीज का कि ये किस तरह से हम अपने लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं, किस तरह से हम यूनिवर्स का जो ब्यूटीफुल क्रिएशन है ना इसको हम लोग इंजॉय कर सकते हैं. बिकॉज यू ऑल ऑफ अस आर द चोजन वंस, राइट.
हम लोगों को किसी पर्टिकुलर गोल के साथ भेजा गया है, इस यूनिवर्स ने हमें इस अर्थ में भेजा गया है। जो ये अर्थ है वो भी को ये मतलब इतना इंट्रीगिंग है ना ये कितना सारा, कि हम लोग किसी और प्लैनेट में नहीं है, किसी और प्लैनेट में कोई लाइफ नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो पर्टिकुलरली परफेक्टली प्लेस्ड है थर्ड इन द सोलर सिस्टम, और एकदम परफेक्ट तरीके से सन की जो लाइट है बिल्कुल अच्छे से आ रही है हमारे पास, ना ज्यादा आ रही है ना कम आ रही है ना। हमारा पोजिशन थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता तो हम लोग हर लाइफ से वंचित रह जाते, राइट। इसके अलावा भी सिर्फ वही नहीं कि वो पोजिशन हमारा, इसके अलावा भी जो अर्थ हमारा 23 डिग्री में झुका हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे सीजन्स डेवलप कर रहे हैं, ये सब कुछ मतलब ये अपने आप नहीं हुआ है ना। सम फोर्सेस आर देयर जो ये सब कर रही हैं और जो इतने सालों से करती आ रही हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो हिस्ट्री का जो मिस्ट्री है ना, वो आज हमें रोंडावन रिवील करने जा रही हैं कि किस तरह से एक मिस्टीरियस इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हम लोग आए हैं, और हम लोग अपनी पावर्स को किस तरह से उनका एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने पावर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये मिस्ट्री हमारे सामने आ जाएगी। यस दिशांत, श्री डॉन स्टार्ट रीडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. अ वेरी थ्रिल्ड मॉर्निंग टू ऑल. अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. तो इन दिस पिक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगुलर बुक टाइप का रखा हुआ है, और उसके ऊपर ना कुछ इंस्क्राइब्ड है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिख करी हुई है उसके ऊपर। इंस्क्रिप्शंस आर नथिंग बट कार्विंग, जैसे कि हम लोग पत्थर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे हम लोग ताजमहल वगैरह में भी जाकर हमने देखा होगा किस तरह से ब्यूटिफुली कार्विंग्स वगैरह की गई हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, और जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये इसके तरफ जो ये मैजिकल जो रोशनी नजर आ रही है, जो ये ग्लिटर्स नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर टैबलेट और दिस पर्टिकुलर जो भी ये इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें कुछ ऐसा पावर है जो कि वो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम लोगों को वेलकम करने के लिए है। और ये एक बहुत है ना मिस्ट्री, मिस्ट्रियस चीज में ना हम लोगों को हमेशा इस तरह से ग्लिटर्स, और इस तरह से हम लोग जब बचपन में कार्टून्स भी पढ़ते थे ना, जो मिस्ट्री होती थी ना, वो ऐसा क्लाउड बना के उसको लिखते थे यूं 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 करके। तो ये एक मिस्ट्री है जो कि हमारे सामने आज अभी रिवील होने वाली है, वो क्या है, रोंडा बन ने वो रिवील करी है। यस The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. I quote, "Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him." I unquote. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. Yes. So, Gospel of Matthew, jo hai, उनका एक ब्यूटीफुल कोट के साथ ये शुरुआत करा है इन्होंने, कि हम लोग आप देखिए कि हम लोगों ने देखा होगा ना बचपन से, और हम लोग मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस पोजीशन में जिस तरह वो पहले होते हैं ना, लाइफ उनकी बीत जाती है लेकिन वो वही हर्डल में पड़े रहते हैं या रहे रहते हैं, है ना। और जो हम लोगों को लगता है जो रिचेज हैं वो रिच हैं, वो तो और भी रिच होते जा रहे हैं, वो क्यों होते जा रहे हैं, है ना। वो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट थिंग। तो यहाँ पर उन्होंने ये कोटेशन क्या है, Whoever has will be given more and he will have an abundance. जिसके पास है उसको और ज्यादा दिया जाएगा, और ज्यादा उसको मिलता है और मिलता ही रहेगा, उसके पास भरपूर मात्रा में सब कुछ होगा, है ना, ये अलॉट होगा। एंड whoever does not have, even what he has will be taken from him. जो और भी सेकेंड सेट ऑफ पीपल क्या है, वो है जिनके पास नहीं है या कम है, लेकिन उनके पास जितना है ना उसमें से भी धीरे 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 करके कम होता रहेगा। सो वो कैसे कम होगा, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट। तो ये सुनकर हम लोगों को लगता है कितना रूड है, कितना क्रूड तरीके से ये लिखा है, कि सोसाइटी में क्या होता है, मान लीजिए कोई रिक्शा पुलर है
है ना, वृक्षा पोलर है वो, उसके मतलब ज्यादातर देखा यही गया है कि वो शुरू वहां से करता है तो वहीं पर खत्म हो जाता है ना, सारी जिंदगी उसकी बिल्कुल ही गरीबी में इस तरह से जाती रहती है। कोई बीमार इंसान है वो उसको लगता है कि आज ये बीमारी है, कल वो बीमारी है, कल परसों वो बीमारी है, तो उसी चीज में ड्वेल करता रहता है वो, है ना। हम लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि शुरुआत जहां से करी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाए, वहीं पर रह गए वो। उनके बाद वो पहले हमारे वो कहते थे ना, वो पुरानी उसमें कहते थे, फिल्मों में भी दिखाते कि बंधुआ मजदूरी करते थे, है ना, वो जो लेबरर्स होते थे, वो जो क्यों होते थे वो लोग, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह के उनको पता नहीं होता था कि क्या करना है। काश अगर उन लोगों को पता होता तो ये स्लेवरी नहीं होती, है ना। जो जो पुअर्स हैं वो इतने पुअर नहीं रहते आज के जमाने में भी, तो वो क्यों है, तो ये जो मिस्ट्री है ना उसको हम, वो हमारे सामने अनवेल करने वाले हैं। वो क्या एक पर्टिकुलर वर्ड इसमें से मिसिंग है, वो मिस्टीरियस वर्ड जो है वो क्या है, उसको हम लोग अगले कोर्ट में पढ़ेंगे, उसको वो फिल इन द ब्लैंक में वो भर देंगे कि ये है। कि आप ये देखिए कि कल मैंने एक कोट आपसे, एक रिच डैड पुअर डैड का मैंने डिस्कस किया था ना, कि हूएवर इज लाइक, अगर आप बॉर्न हुए हो, अगर आप, आपका वेल्थ कम है, गरीब अगर पैदा हुए, इफ यू आर बॉर्न पुअर देन दैट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ की आखिरी सांसों को गिनते टाइम भी अगर आप उसी चीज में हो, अगर स्टिल यू आर पुअर देन दैट इज योर फॉल्ट। तो देयर मस्ट बी समथिंग ना, आपको किसी चीज का पता नहीं लगा है, एंड देयर इज एन एक्चुअल रीजनल क्वेस्ट कि वो क्या चीज है जिसका हमें अभी तक पता नहीं लगा है। तो ये मिस्ट्री पहले थी, आज हमारे लिए ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए मिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको पता है हम लोग बहुत ही गिने चुने हैं लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता होते हुए भी हम लोग उसको अपने पावर्स को यूटिलाइज नहीं करते, अपने पावर को हम लोग जानते हुए भी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फेथ नहीं होता, हम लोग फेथ नहीं करते कि ये चीज होगा ही होगा, या हमने जो काम किया है, हमने जो कहते हैं ना कि हमने जो नींव डाली है, उस नींव पे हम लोगों को और भी बहुत कुछ लेयरिंग करनी पड़ेगी डेली के डेली, तो वो चीज है, वो चीज हमें अभी फिल इन द ब्लैंक्स हमारा जो है वो फिल कर देंगे। यस निशांत प्लीज स्टडी। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. I quote, "Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her." I unquote. Yes, the word is gratitude. Gratitude ही ऐसा चीज है जो कि हमारे पास जितना है उतने में, उतने के लिए भी अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारे पास अबंडेंस आएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से वो अबंडेंस आ रही है, हमको वो अबंडेंस लाने वाला कोई और नहीं होगा, हम होंगे, और हमारे पास ही वो पावर है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को वेलकम कर पाएंगे। उस पावर को कैसे यूज करना है वही के उसी बात बारे के लाइक इट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर बुक, कि किस तरह से हम अपने जो मिस्टीरियस पावर है उसको किस तरह से हमने यूज करना है, ग्रैटिट्यूड के जरिए हर छोटी चीज से हर बड़ी चीज तक किस तरह से हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को यूटिलाइज करके अपने लाइफ को, अपने लाइफ के हर एक फील्ड को मैजिकल बनाना है और पर्पसफुल। मैजिकल हमारी लाइफ हुई ना तो इट विल बी पर्पसफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। हम लोगों को जब किसी चीज का पता चलता है तो उस चीज की उतनी खुशी नहीं मिलती जब तक हम उसको बांट न दे, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे पहले वो बांटते नहीं थे, उनको लगता था ये खजाना जो है ना हमारे पास ही रह जाए, राइट। तो ये जो मिस्ट्री एक्सकेवेशन से जो वो एमरल्ड टैबलेट जो निकला था उसमें ये इंस्क्राइब्ड था कि हूएवर हैज ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर, और उसके पास अबंडेंस आएगी। आप ये देखो कितने सारे जो वर्ल्ड की पुरानी सिविलाइजेशंस हुई हैं उनके सारों के सारों का मतलब बहुत ही गिने चुने लोगों को पता था, इसीलिए उन्होंने फ्लरिश किया। जब तक ये मासेस के पास नहीं आया ना तब तक लोगों को पता ही नहीं चला। आप ये देखो, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह से वो ताजमहल बना किस तरह से होगा,
इतनी उस टाइम पे जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई आर्किटेक्ट इस तरह से पहले से प्रोटोटाइप नहीं बनाकर रखते थे, किस तरह से इतना बड़ा चीज, इतनी बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर देते थे, इतनी मेहनत कितने लोगों ने की होगी, लेकिन वो जो मेहनत है वो इंजॉय करने वाले उसको बहुत कम लोग थे। आज वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा कुदरत का करिश्मा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि ये कैसे बन सकता है, कैसे ये। तो इसी तरह से हमारी लाइफ भी ऑ इंस्पायरिंग हो जाएगी। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, वो खाली चेंज नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिकॉज चेंज जो है ना, वो एक चीज में होता है, दो चीज में होता है, तीन चीज में होता है, लेकिन जब हम ये ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री पूरी तरह चेंज हो जाएगी। इस चीज के लिए ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर जो मिस्ट्री है, ये इस एमरल्ड टैबलेट को, इसको छुपा के रखा गया था, इसको गाड़ दिया था जमीन में, और अब जब ये मासेस के पास आ चुका था, अब वो किस तरह से स्प्रेड हुआ और हम किस तरह से स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर ये सारा का सारा बुक है। यस निशान, प्लीज रीड। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more. And you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. I quote, And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe. I unquote. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the holy scriptures and the Quran apply to you in your life. They're describing a fundamental law of science and of the universe. So these tablets were written, उनमें तो fundamental law of the universe होता था, universal truth उसमें लिखा होता था कि किस तरह से ये सृष्टि चल रही है ना, कितने इसमें galaxies हैं, कि किस तरह से ये शुरुआत हुई। साइंटिस्ट ने उसको निकाला है, बिग बैंग का उन्होंने थ्योरी दी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये जो एक्सकेवेशन करने के बाद जो है ना, इन सब चीजों का पता चला था कि किस तरह से ये सब चीजें रची हुई है ना। कहते हैं कि अद्भुत रचना है ये सृष्टि जो है, वो अद्भुत रचना का पता ही तब चला था कि वो इंस्क्राइब था। ये जो टैबलेट्स होते थे ना, वो 42 के आसपास, मतलब बहुत सारे वो टैबलेट्स वो गाड़ देते थे, वो इंस्क्राइब होते थे। उसमें क्या होता था कि आप जहां जहां निकले, जैसे कि आज भी हम लोग जब उनको एक्सकेवेट करते हैं, कहीं से फॉसिल्स मिलते हैं, कहीं से कुछ पुरानी सिविलाइजेशन जो आर्कियोलॉजी में होते हैं, पुराने सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है हम लोगों को। तो पहले क्या था, इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो कि इस चीज को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, उन्होंने लाया और उनको पता चला कि दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द साइंस जो है, वो यूनिवर्स का जो फंडामेंटल लॉ है वो उनमें लिखा होता था कि दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि हाउ द यूनिवर्स इज एक्चुअली वर्किंग, किस तरह से सारी की सारी चीजें परफेक्टली प्लेस्ड है, किस तरह से सब कुछ एकदम एक जगह पे है। अर्थ जो है इतना भी टिल्टेड, जितना टिल्टेड है वो 23 डिग्री पे है, इससे ज्यादा नहीं है, है ना। और उसके बाद आप देखो कि हमारा जो मून है उसका साइज है, अगर वो बड़ा होता तो वो ऐसे नहीं होता, ऐसा जो हमारे लाइफ, हमारे जो अर्थ में जो इतने जो टाइडल वॉल्यूम्स वगैरह हैं, जिस तरह से वो टाइड्स आते हैं जाते हैं, जो भी है ना, वी डोंट हैव टू गो टू द साइंस एंड जियोग्राफी, बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लेस्ड है ना, उस तरह का क्या है वो सारा का सारा जो यूनिवर्सल साइंस है, वो लॉ जो है वो हर जगह सेम है। यहाँ पर जैसा है वो इजिप्ट में भी वैसा ही होगा, इजिप्ट में जैसा है वो नॉर्थ अमेरिका में भी वैसा ही होगा। तो ये जो पूरे की पूरी दुनिया का जो एक ही लॉ है सबको गवर्न करने वाला, वो इन टैबलेट्स में इंस्क्राइब होता था। यस इट्स यूनिवर्सल लॉ, It's universal law.
Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings, because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes, see, this is the you know, infrastructure ka jo backbone hai na, yahi hai. Law of attraction hai iska backbone. Kaise? Aap ye dekho ki har koi cheez hum log, whether we are living, jitne bhi living things hai, non-living things hai, all of us, everything is made up of atoms, right? वो जो एटम के अंदर भी जो वो उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है ना कि सन बीच में है और सारे के सारे प्लैनेट्स आसपास वो उसको ऑर्बिट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे एटम्स, हर एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर कुछ है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको ऑर्बिट कर रहे हैं. तो किस तरह से सारे के सारे जो एक एटम है वो हेल्ड टुगेदर है, आपस में जो जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो इतना ज्यादा वो मिस्टिकल है. हमें सब कुछ पता है कि एटम होते हैं, ये हम लोगों को एटम के बाद ये होता है, इसने थ्योरी, डाल्टन ने थ्योरी दी थी, उसने थ्योरी दी, सब कुछ पता है हम लोगों को. लेकिन हम रियल लाइफ में जब हमें लगता है कि हम जो चीज सोचते रहते हैं ना वही चीज होता जाता है, वो क्यों होता है रियल लाइफ में? ये हमारे थॉट्स एंड हमारे फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है. क्योंकि हमारे लाइफ में तो हम लोगों को आंखों के सामने तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स नजर नहीं आते ना. तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, हमारे लाइफ में हम उसको कैसे देख सकते हैं? अपने थॉट्स के हिसाब से, कि हमारे जैसी थॉट्स होंगी, हमारे जैसी फीलिंग्स होंगी, हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना. अगर आप दुखी हो उस दिन आपके साथ दुख वाले इंसिडेंट्स होते रहेंगे, अगर आप खुश हो तो चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं से आपको खुशियां मिलती जुलती रहेंगी, है ना. तो ये वही लॉ है, ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का जो लॉ है वो है ये. जिस तरह से ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ है जो न्यूटन ने दिया था कि हम लोग कोई भी चीज अगर बॉल को नीचे फेंकेंगे तो वो ऊपर आएगा, ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आएगा, है ना. जिस तरह से हम लोग चलते हैं धरती पे, जिस तरह से ये बिल्डिंग्स, हम लोग कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते हैं, क्यों खड़ी कर लेते हैं? अगर हम लोग ये बोले कि एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उड़ता है, वो गिरता क्यों नहीं है, उसके आगे फिर से साइंस है. तो ये जो ग्रेविटी के कारण जो है सारा का सारा चीज है, तो उसी तरह से हमारे रियल लाइफ में जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे लाइफ को रूल कर रहा है, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स के जरिए. बिकॉज दोज आर नथिंग बट एनर्जीज, हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स सारी की सारी एनर्जीज है, एनर्जी का भंडार है हम लोग. आप क्वांटम लेवल पे जाके सोचोगे ना तो आपको पिक्चर वैसा का वैसा दिखेगा जैसा आप सोचना चाहते हो, आप देखना चाहते हो. आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज हो रही है तो उस क्यों हो रही है, सोचोगे आपको तो पता चल जाएगा. आपको ये सिखाएंगी रोंडा बने जर्नी में कि कैसे आपको पता चल जाएगा, रीजनिंग आपको करनी आ जाएगी. बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैजिक है इसमें, लॉजिक नहीं हम लोगों को ढूंढना है वो, लेकिन एक्चुअली मैं तो कहती हूँ आपको लॉजिक भी मिलेगा, बिकॉज ये कोई होक्स नहीं है. आपको पता चलेगा कि वाई इट्स ऑल हैपनिंग विद यू, वाई यू, है ना, जो हमें पता चलेगा. सो यस, इफ यू थिंक I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble. Then you must attract more of these experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job. My family is very supportive. I had the best vacation.
I feel amazing today. I got the biggest tax refund ever. Or I had a great weekend camping with my son. And you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic. And the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. Yes. So, हम लोग अगर अपने किसी भी चीज के प्रति हम लोगों को नेगेटिव फीलिंग आती रहेगी कि ये खाना अच्छा नहीं बना तो आपको आपको मतलब वो अच्छा लगेगा ही नहीं. कई बार हम लोगों को लगता है ना कि वो इंसान है जिसको हर एक चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती है, वो सारे खाली खाने में ही नजर नहीं आएगी. वो कहीं पर भी कुछ चूज करने जाएगा ना, उसको लगेगा कि नहीं, आप अगर आप शॉपिंग भी करके लाओगे ना, आपको लगेगा कि ये तो चीज मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है. लेकिन वो आप खुद ही चूज करके लाए हो. वो खाना हो सकता है आपने बनाया हो लेकिन आपको उसमें नुक्स दिखाई देगा. तो अगर आपका माइंडसेट वैसा है ना, आपके थॉट्स अगर नेगेटिव है तो आपको हर जगह वही नजर आएगा. सो फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. लेकिन उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम लोगों को खाली ग्रैटिट्यूड करना है जो हमारे पास है उसके लिए, सो दैट जो हमारे पास नहीं है ना, जो भी रिचेज हैं या जो भी मान लो बेस्ट ऑफ हेल्थ है या बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो मान लो आज हमारे पास नहीं है लेकिन वो हमारे पास आ जाएंगी. बिकॉज ग्रैटिट्यूड हैज गॉट द मैग्नेटिक पावर. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, लाइक हम जितने भी लोग हैं, हमारा सबका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. सभी का, सभी सभी, कोई भी आर्टिकल पड़ा हुआ है आपके सामने, वेदर इट्स वो लिविंग है नॉन लिविंग है, हमको देखता है कि आयन जो है ना, आयन है, कोबाल्ट है, निकल है, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, राइट? तो हमारे अंदर भी होती है. बिकॉज आपको पता है ना, जब हम लोग देखोगे, आप कोई मल्टीविटामिन अगर कभी लो ना, तो उसमें आप देखना, उसमें आयन लिखा होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है ना, वो सब हमारे बॉडी के अंदर है. बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ दोज एलिमेंट्स. तो वो जो रूल है वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा ना. तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम लोगों को लगता है कैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्या है ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ दोज एलिमेंट्स यार. वी हैव टू थिंक लाइक दैट. इसी तरह से ग्रैटिट्यूड करके हम लोग अपनी लाइफ की जो थॉट्स है ना, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट्स है ना, उनको हम लोग चेंज कर पाएंगे. किसी और को, कोई भी परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं. एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ विल बी चेंज्ड फॉर यू, यू चेंज योरसेल्फ. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज में. हमें अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं, आपको अच्छी जॉब के लिए भी इस पर्टिकुलर जॉब को ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा. बिकॉज यही तो है जिसके कारण आपको पॉकेट मनी मिली हुई है. जितना भी है आपके पास, आप जो खाना खा रहे हो वो उसी पैसे से तो खरीद के खा रहे हो. आपको वो काम कर रहे हो, काम कर रहे हो उसके एवज में आपको पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए आप खाना खा पा रहे हो, राइट? अगर आपको आज आपका खाना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, आप खा तो पा रहे हो ना. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप सोमालिया में जाके देखो, अचानक से आप देखो कहीं पर भी, मान लो बहुत ही अच्छा कोई ऐसा कंट्री रहता है, उसमें कुछ क्योस होता है, वहां पर कुछ ऐसे कैलामिटी आ जाता है, वहां पर खाना नहीं होता लोगों के पास. लेकिन यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि चाहे वो खाना टेस्टी नहीं है, है तो ना आपके पास. हमारे पास हो सकते हैं ब्रांडेड कपड़े ना हो, लेकिन कपड़े तो है. आप ये सोचो कि ये सब नहीं होते तो हमारा काम कैसे चलता. सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है ना, यहीं से बड़ी चीजों का जनरेशन होता है. हमारे थॉट्स वो छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट चीजों को लेकर हम लोग जो सारा दिन फ्रेजल्ड रहते हैं ना, उसको हम लोग थोड़ा सा अगर सोचे ना कि ये तो है ना हमारे पास, जो नहीं है उसके एवज में आप जो देखोगे ना है, इट विल ऑलवेज बी मोर. तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है. हम लोगों ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, ये यूनिवर्स का ही लॉ है जो कि हमारे सामने अनरिवल हो चुका है अब, कि हम लोग मैग्नेटिक हैं, हमारे थॉट्स मैग्नेटिक हैं, हमारी फीलिंग्स मैग्नेटिक हैं. तो जैसा हम सोचेंगे
वैसा ही हमारे साथ होगा, जैसा आगे देखो लिखा भी हुआ है कि हम जो कहते हैं ना हमारे हम लोग पढ़ते आए हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसी अगर फसल आपने लगाई है, अगर आपने वीट लगाया है, गेहूं का अगर अगर बीज डाला है आपने, तो उसमें से चावल नहीं उगेगा, राइट? आपने गेहूं बोया है तो गेहूं का ये लाइक गेहूं ही उगेगा ना उसमें से. द सेम वे आपने जैसे थॉट्स आपके पास हैं, वैसे ही आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल मैग्नेटिकली. ये आप चाहे अम्यूज हो इस चीज से, पर अम्यूज आप मत होना, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट. यस दिशांत. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. And they're also describing a principle of the universe that the great scientist, Sir Isaac Newton, discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's this law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, the more you will receive. तो आप ये देखिए, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ही यूज्ड टू बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, थियोलॉजियन, व्हाट नॉट. ही वाज लाइक, वो एक जीनियस बंदा था. वो इतना फिजिक्स का जो फंडामेंटल लॉ है, ग्रेविटेशन का लॉ, आपको पता है ग्रेविटेशन का लॉ के बारे में हमें पता नहीं होता ना, तो हम लोग आगे की और डिस्कवरीज नहीं कर पाते, राइट? तो ये जो लॉज है वो इस इंसान ने निकाले हैं. अगर वो अगर उसको लगता है ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे काम करता है, तो लॉ ऑफ जो ये अट्रैक्शन है वो वैसे ही काम करता है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो ये उन्होंने इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के इतने अच्छे से, उनको पता है, अब साइंटिस्ट हैं वो इतने बड़े रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, सर आइजैक न्यूटन है. वो खाली आइजैक न्यूटन नहीं है, वो सर आइजैक न्यूटन है. वो बोल रहे हैं कि ये चीज इस तरह से एक्ट करती है, इस तरह से काम करती है, तो हम क्यों नहीं चुपचाप उस चीज को मानते? हम अपने दिमाग में, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये एक्चुअली लॉजिकल है. सब कुछ लॉजिकल है. यू हैव टू फाइंड दैट, आपको ढूंढना पड़ेगा. वो कहते थे मैथमेटिक्स को और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने कितने अच्छे तरह से एमलगमेट किया था. और यही चीज आप रोंडा बर्न का देखी है. रोंडा बर्न साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन इतने सारे साइंटिस्ट का, इससे पहले हमने देखा कुरान का स्क्रिप्चर उन्होंने ले रखा था, इतने सारे जगहों का कोट हम लोगों को खाली ये बताने के लिए, खाली हमारे फेथ को बिल्ड करने के लिए है. मैं भी इस चीज पे इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा फेथ डेवलप हो. जब तक फेथ डेवलप नहीं होता ना, वी डू नॉट गो फॉरवर्ड. वी हैव टू हैव दैट फेथ ऑन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्सल पावर्स. एंड रिमेंबर, दोज पावर्स आर विद इन यू. जितना यूनिवर्स आपके बाहर है, उतना यूनिवर्स आपके अंदर है. सो नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. यू हैव टू डू दैट. हमारे अंदर, हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. वी आस्क फॉर सोल्यूशन फ्रॉम एवरीवेयर, राइट? बट द सोल्यूशन इज विद इन यू. मेरे पास वो सोल्यूशन नहीं है, किसी और के पास वो सोल्यूशन नहीं है. वो सोल्यूशन आपके काउंसलर के पास भी नहीं होगा, वो सोल्यूशन आपके बॉस के पास भी नहीं होगा. एवरी सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स इज विद इन यू. यू हैव टू फाइंड दैट, राइट? सो मुझे आइजैक न्यूटन का ये इसलिए इतना अच्छा लगता है कि इतने अच्छे से उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट चीज का जो उन्होंने बताया ना, था तो वो पहले से ही, देखो यूनिवर्स में वो चीज पहले से थी, वो धीरे धीरे करके हमारे सामने आती गई ना. तो सर आइजैक न्यूटन ने उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों को बताया है ना,
उनकी सारी लाइफ इसी चीज में गई कि वो यही प्रूव करते रहे. उन्होंने बुक भी बहुत सारी लिखी कि मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने करके ना कंबाइन करके बुक भी लिखी उन्होंने. यस द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड. यस दिशान. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. Yes. तो यहाँ पर रोंडा बर्न ने सारे होली स्क्रिप्चर्स में से सारे रिलीजन्स में से निकाल निकाल के बताया कि देखो ये भी बोलते थे. मैं बोल रही हूँ मेरी बात पर विश्वास मत करो, ये भी बोलते थे भाई. ये जो मोहम्मद है, लाओजू है, या जो बुद्धा है, जो हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं, मेन जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे वो ट्राइब्स हैं, हर कोई ट्राइब भी कुछ ना कुछ तो फॉलो करते ही है ना, तो ये सारे के सारे रिलीजन्स में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड इज द की टू सक्सेस. किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ चाहिए, ग्रैटिट्यूड इज द की टू दैट, राइट. सो ये जितने भी रिलीजन्स हैं, मोहम्मद ने जैसे बोला था कि ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस यू हैव रिसीव्ड इज द बेस्ट इंश्योरेंस दैट द अबंडेंस विल कंटिन्यू. आप अगर जो आपके पास है, जितना है वो भी अबंडेंट है, एक्चुअली एक्चुअली अबंडेंट है. अगर हम लोग जितने भी है ना यहाँ पर 99 पीपल अदर, तो हम लोग जितने भी हम लोग देखेंगे ना कि व्हाट वी हैव, दुनिया के हम लोग, मुझे लगता है हम लोग दुनिया के ना 2% पीपल में से हैं जो एक्चुअली उन सब चीजों को ओन करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी है, राइट. तो हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंस है, और उस अबंडेंस पे अगर फोकस करेंगे हम, तो हमें जो लगता है ना कि आज हमारे पास फरारी नहीं है, या आज हमारे पास हो सकता है डिजाइनर क्लॉथ्स नहीं है, आज मैं 1 मिलियन का मैं लाइक 1 मिलियन तो आजकल थोड़ा सा कम ही हो गया, आप और भी ज्यादा, आप 20 मिलियन का आप डायमंड नेकलेस है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है. आपको वो भी मिल जाएगा जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो आप, राइट. आपकी डिमांड्स जो है ना, हर कोई डिमांड आपकी फुलफिल होते जाएंगी, और एक पॉइंट आपका लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आई हैव एवरीथिंग नाउ, नाउ आई वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी. एक ना वो थ्रेश होल्ड आपका जो क्रॉस हो जाता है ना, वो एक थ्रेश होल्ड आने में थोड़ा सा थ्रस्ट लगता है. आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हो जो फर्स्ट गियर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना. प्लेन भी जब टेक ऑफ करता है ना, तो उस टाइम उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. द सेम वे वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, दैट वी हैव टू हैव फेथ एंड गो ऑन इन टू दिस जर्नी. वी डोंट हैव टू गिव अप. हमको पता चलना चाहिए, जितना थ्रस्ट अभी लग रहा है ना, बाद में नहीं लगेगा, बाद में इट विल बी इजियर फॉर अस, है ना. बैक गियर्स लगेंगे, हमारे लाइफ में झटके आएंगे, लेकिन हमको पता चलेगा कि बैक बैक भी हम लोग तब आते हैं ना, लाइक अगर आपने आगे जाना होता है ना, कई बार हमारी गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी होती है तो आगे करने के लिए कई बार हमको बैक लेना पड़ता है ना, तो वो ही है हमारे लाइफ में वो रुकावटें इसीलिए आती हैं कि हम लोग और आगे पुश करने के लिए. सो वी हैव टू बिलीव इन दिस. मोहम्मद कह रहे हैं, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों के दोनों, जो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जितने भी हुए हैं, सभी इस बात पे कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड करो भाई, ग्रैटिट्यूड और जॉय में रहो. ग्रैटिट्यूड, जॉय एंड लव,
इन तीनों चीजों को हम लोगों को अपने बॉडी में इंस्क्राइब करना चाहिए, मुझे तो लगता है टैटू बनाना चाहिए। वो टैटू जो है ना हमारी बॉडी में नहीं, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन का जो फ्लूइड है ना उसके अंदर डालना है, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, हैप्पीनेस, इन चीजों को। जैसे यही चीज है सारे की सारी जो पाने के लिए, सारे की सारी अबंडेंस को पाने के लिए। अब मैं ये बात है ना लाइक बहुत बार बोलती हूँ आपको कि एवरीथिंग बिटवीन द हेवन एंड अर्थ, जो भी चीज आती है, आपने वो चीज देखी है, आपने वो चीज नहीं देखी है, आपकी आंखों के सामने है, नहीं है, फील कर रहे हो, उन सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलो। चाहे वो एक कॉकरोच ही क्यों ना हो, चाहे वो मच्छर हो, वो सारे के सारे हमारे लाइफ का पार्ट है। चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पेड़ व पौधे तो हम भी पता ही है, हम लोग उनके लिए तो हम लोग लिखते ही आए ना बचपन से साइंस के प्रोजेक्ट्स में, यूजेस ऑफ ट्रीज, यूजेस ऑफ दिस, यूजेस ऑफ दैट, वो लिखते हैं, उनके बारे में हमें पता है कि दे आर यूजफुल फॉर अस। बट इवन दोज क्रीचर्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरियम, द ओशन लाइफ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस लाइफ, यू नो वी हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट। सो किंग डेविड जो है वो एक हिब्रू के, मतलब आप ये इसराइल के एक किंग हुए थे, वो भी कहते हैं इस चीज को, उन्होंने कितनी, मतलब ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यू हैव टू बी, हमको लगता है ना कई बार हम लोग ब्लेसिंग्स पे लिखने बैठते हैं ना, हमें पता नहीं चलता यार किस चीज के लिए ब्लेसिंग लिखे। तो लिखो जो भी चीज तुम्हें दिखाई देती है, तुम्हारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उसके लिए थैंक यू लिखो। बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि किसके लिए थैंक यू लिखो, जो भी दिखती है उसी चीज के लिए थैंक यू लिखो आप। तो वही चीज है किंग डेविड की, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ये पूरी बुक में ना ये वाली लाइन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि वेन एवर यू आर फ्रेजल्ड ना, यू थिंक दैट व्हाट आई हैव, देन जस्ट लुक अराउंड, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एंड समथिंग दैट यू डू नॉट हैव, सबके लिए ग्रेटफुल करो, राइट? यस, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज। From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and the Maori, the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous traditions. I quote, "When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself." Shawnee Native American leader. His चकम सर, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। वो एक वॉरियर थे, एक बहुत ही तगड़े वॉरियर। आप ये देखो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जो वॉरियर्स होते हैं ना उनका दिमाग काम नहीं करता, कई बार बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट है उसके लिए बोला जाता है कि उनका दिमाग जो है उनके घुटनों पे होता है। तो ये वॉरियर थे, इन्होंने बोला था कि अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा ना, वो अमेरिकन नेटिव थे, वो जब अमेरिका जो है ना एक ऐसा लैंड मिला, जब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा ना, तो यूरोपियंस जो थे जो कि पहले पूरे वर्ल्ड में फैल रहे थे, जो कि सारे वर्ल्ड को कैप्टिव करना चाहते थे बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तब अमेरिका वॉज लाइक खाली लैंड था वो। तो जैसे वहां के जो जो सिविलाइज पीपल थे, जो ट्राइब्स थे, लगा लो ट्राइब्स थे, अपने लैंड को सेव करने के सबसे बड़े वॉरियर माने जाते हैं टकम सर। तो इन्होंने बोला था कि अगर तुम लोगों को लड़ना है ना तो भी उसके लिए भी तुमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारे पास सुबह उठते ही सोचो कि तुम हो, तुम्हारे आजू बाजू में लोग हैं, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो है, तो उन सब चीजों के लिए थैंक यू हो। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता ना कि मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड करूं, तो फिर तुम कोई, मतलब तो फॉल्ट जो है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी तुम्हारी आंखें ही खराब होंगी जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब कुछ है तुम्हारे पास। सो हम लोगों को ये नहीं सोचना, हम लोगों को इसका क्वेश्चन नहीं पूछना कि किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हो, क्या हमने जो ब्लेसिंग्स लिखी हैं वो ठीक है कि नहीं, वो सब आपने ठीक लिखी है, आपका जो लैंग्वेज आपने लिखा है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा है, चाहे फ्रेंच में लिखा है, चाहे गुजराती में लिखा है, चाहे हिंदी में लिखा है, डजंट मैटर एट ऑल। आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, आपके थॉट्स मैटर करते हैं। जो टकम सर कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं अगर आपके पास, उसके लिए ग्रेटफुल हो आप, बहुत जरूरी है अगर आपको अपने लाइफ में अबंडेंस चाहिए। यस दिशांत। History is laden with famous figures who have practiced gratitude.
and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe. And when I ask about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mystery were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life. And in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science in humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitudes reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most of the people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. So, ये जो इतने important people जिनका नाम यहाँ पर आया है उनमें से बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं और जिन बहुत सारे लोगों को हम नहीं भी जानते होंगे, कोई बात नहीं. तो ये सारे के सारे जो पीपल है, मदर टेरेसा हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, दलाई लामा, ये डिकन्स, प्राउस्ट, ये जितने भी लोग हैं ना, ये साइंटिस्ट हैं या स्पिरिचुअल गुरुज हैं या आर्टिसंस हैं, है ना. बहुत सारे लोग आर्ट में फेमस हुए हैं, कोई साइंस में फेमस हुआ है, कोई स्पिरिचुअलिटी में फेमस हुआ है. वो क्यों हुआ है? बिकॉज उनकी जो अचीवमेंट्स है ना, जो भी उनको वो ये बोलते हैं, अपने अचीवमेंट्स के लिए वो शुक्राना करते हैं. वो प्राउड नहीं होते हैं कि भाई ये है मेरे पास, वो है करके. नहीं, वो कभी भी प्राउड नहीं थे. वो हमेशा सोसाइटी को देकर गए हैं, जितना उनको मिला उतना वो देकर गए हैं. सो दिस इज द थिंग, अगर वो सब ऐसे कर सकते हैं, अगर आइंस्टीन जो है डेली के डेली इतने सारे ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, अपना जहां पर जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं उस कुर्सी से लेकर अपने चारों तरफ जो भी चीजें थी उसके लिए वो थैंक यू बोल सकते हैं, अचीवमेंट्स के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, तो तभी तो उनको इतनी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स हुई ना. उनको नोबेल प्राइज इसीलिए तो मिला ना कि वो अपने जितना उनके पास था, उनके पास कुछ भी नहीं था एक्चुअली, पहले कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने इतने अच्छी टीचिंग हम लोगों को दी है. साइंस में उन्होंने इतने अच्छे डिस्कवरीज की हैं, राइट. तो वो इस कारण से उनके पास वो नोबेल प्राइज आया है ना. तो इसी तरह से हमारे जो ये है आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन ने भी कितने बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है, वो मैथमेटिक्स के और साइंस के, फिजिक्स के, इवन उन्होंने इकोनॉमिक्स पर भी लिखा है, वो थियोलॉजियन भी रहे हैं. वो इतना सारा जो उन्होंने बताया है उसके लिए वो इतने ज्यादा ग्रेटफुल रहते थे ना किसी भी चीज के लिए. इस कारण से उनको वो अपने के सारे उपलब्धियों को ना वो गिनाते हुए यही कहते हैं कि सब कुछ हमारे शुक्राने के कारण हुआ है. ग्रैटिट्यूड फील करते हैं उन चीजों के लिए. जरा सा भी प्राउड, ईगो, ये जो तीन लेटर्स है ना, ईगो, ये नहीं है. ये जो रहे ना ये तीन लेटर्स, इनको हमारे लाइफ से हम लोगों को इराडिकेट करना पड़ेगा, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. जो है हमारे पास उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, जो नहीं है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करें, यही हमारा है. तो ये जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, इन लोगों ने सब ने इस चीज को समझा करा, तो अब उनके नक्शे कदमों पर चल के हम लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं और करते रहेंगे. ये बुक्स हम पढ़ते हैं, ये वाली पर्टिकुलरली ये बुक हम पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, है ना. ये हमारी जर्नी आज शुरू हुई है, सेकेंड डे है हमारा,
28 दिनों के बाद खत्म भी होगी ये वाली जर्नी, लेकिन फिर से हम शुरू करेंगे बिकॉज दिस हैज टू बिकम द वे ऑफ आवर लाइफ, है ना. सो यस, दिस मच टुडे फ्रॉम द मैजिक बुक. थैंक यू सो मच दिशांत फॉर रीडिंग सो नाइसली. थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर योर वॉइस. वेलकम. I'll open the second book now. Yeah. Here comes the ways to use affirmations. है ना, ग्रेटिट्यूड के बाद हम लोग ये अफर्मेशन अफर्मेशन बहुत सारे सुनते हैं कि अफर्मेशन क्या है ना, ये क्या चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये एक फ्रेज है. उस फ्रेज का जो एक्चुअली क्या है कि उस फ्रेज का पर्टिकुलर फ्रेज फ्रेज का हम लोग रिपीटेशन करके रिपीटेडली हम लोग वैसे भी वही काम करते जा रहे हैं. जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं, हम लोग जितने भी हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं जो हम सुनते आए हैं अपने बारे में नेगेटिव, औरों के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव भी, हम जिन चीजों को रिपीट करते हैं वो चीजें हमारे लाइफ में और भी ज्यादा अफर्म फर्म प्लेस लेती जाती है ना. जो फ्लूइड होता है हमारा ब्रेन तो फ्लूइड होता है ना, लेकिन उसके उसमें इट्स जस्ट लाइक अ जेली, यू नो. अगर हम अपने ब्रेन को खोपड़ी को खोल के यूं डालेंगे ना, वो यूं जेली की तरह नीचे गिर जाएगा सारा का सारा. इट्स सच फ्लूइड, है ना. आप जब सर्जन पे, जो न्यूरो सर्जन पे जो ऑपरेशन करते हैं ना, तो दिस है कि इट कीप्स ऑन मूविंग, यू नो. आप वो ऐसा ऐसा होता रहता है जेली फॉर्म में, तो वो इतना फ्लूइड है. हम लोग उसके अंदर जितने भी नेगेटिव्स डालते रहेंगे या पॉजिटिव्स डालते रहेंगे, कुछ भी हो, रिपीट रिपीटेशन करते रहेंगे, वो ही चीजें हमारे लाइफ में और भी ज्यादा इनहांस होती जाएगी, है ना. तो इसके लिए अगर हमारे अंदर अभी कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस से कुछ फ्रेजेस बोल बोलकर हम अपने माइंड में पॉजिटिविटी फर्म कर लेंगे, उसको एफर्मेशन कहते हैं, राइट. तो उसके एफर्मेशन के ना मुझे बिल्कुल बचपन की वो वाली बात याद आती है, वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत रे सिल पर परत निशान. तो उसमें क्या था, वो कुआं था, कुआं कुआं जो है ना, इट्स ऑब्वियसली मेड ऑफ पत्थर एंड सीमेंट एंड ऑल. तो पत्थर में अगर रस्सी की घिसाई का बार बार जब कुएं में से पानी निकाल, आपकी जनरेशन को तो कुएं का शायद पता नहीं होगा, तो कुएं में से जब पानी निकालते थे ना, वो रस्सी का निशान उसमें रहता था हमेशा, है ना. खेतों में पगडंडियां जो बनी होती है ना, वहां से चलते 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 रास्ता बनता जाता है, राइट. तो उसी तरह से अगर पत्थर पे निशान हो सकता है, अगर हम लोग अपने पैरों के निशान जो है हमारे खेतों में से वो पगडंडियां निकाल सकते हैं, तो क्यों हमारे ब्रेन की जो फ्लूइड है इतना ज्यादा, जो कि इतना ज्यादा एनर्जी इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, क्यों हम उसको चेंज नहीं कर सकते. बिल्कुल ये एफर्मेशन के जरिए, ग्रेटिट्यूड के जरिए हम इन दोनों को मिलाकर अपने ब्रेन के जो न्यूरल पैटर्न्स, जो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न्स जो पहले से चले आ रहे हैं ना, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, हम लोग पॉजिटिविटी डाल देंगे उसके अंदर. यही बात के लिए अफर्मेशंस हैं, हमारे लाइफ में आई हैं ये बुक्स जो हैं, इतनी सारी जो बुक्स हमारे लाइफ में आ रही है ना, जिसको हम लोग सेकेंड बुक को हम लोग चेंज करते रहते हैं जो पढ़ते हैं. दिस इज बाय द वे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रिटन बाय शक्ति गवेन. इतने ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग, मेडिटेशन के वेज बताए. आज वो बता रही हैं कि अफर्मेशंस किस तरह से कर सकते हैं, एंड टुडे श्याम सर विल बी रीडिंग फॉर अस. या मैग्निफिसेंट मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर. लेट्स स्टार्ट. वेज टू यूज अफर्मेशंस. देयर आर सो मेनी वेज दैट अफर्मेशंस कैन बी यूज्ड पावरफुली एंड इफेक्टिवली टू गिव यू अ मोर पॉजिटिव creative outlook and to help you achieve specific goals. Remember, it's important to feel relaxed as you affirm. Do not be addicted to getting results. Remember that you already are everything you need. Every improvement is just icing on the cake. Yes. So, ये affirmations है ना जो हम लोग बोलेंगे, we have to have faith on that. ये नहीं कि हम तो इतने दिनों से affirmation कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं सोचना है. हम लोगों ने एक बार affirmations कर लिया, हम लोग बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तरीका तो अभी शक्ति गविन बताएंगी कि कैसे कैसे करना है. तो हम लोगों को ये सोचना है कि ये हमारे पास है ही. We have to keep ourselves in that particular zone. कि हमारे पास ये है ऑलरेडी, एंड जब वो मिल जाएगा ना, दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक. वाओ,
है ना, हमारे पास ऑलरेडी है. वी हैव टू ड्वेल इन दैट फ्रिक्वेंसी. वी हैव टू कीप रेजिंग आवर फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग दिस अफर्मेशंस. अफर्मेशंस आर नेगेटिव जो सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो ना, वही आपका अफर्मेशन बन जाता है. कोई भी नेगेटिव, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास है, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, आई हेट दैट पर्सन, आई लव दैट पर्सन. सो इट्स जस्ट लाइक द ऑपोजिट. अफर्मेशन बनाना बहुत आसान है. पहले रोंडा इन्होंने, शक्ति गवेन ने पहले सिखाया भी है कि आप अफर्मेशन को कैसे बना सकते हो. सो अभी वो बताएंगे कि अफर्मेशन को यूज कैसे करना है. यस सर. In meditation, number one, say affirmations to yourself silently while meditating or relaxing deeply, especially right before going to sleep or right after waking up. Spoken, number one, say them to yourself silently or aloud throughout the day. Whenever you think of it, especially while driving, doing housework, or during other routine tasks. Number two, say them to yourself aloud while looking at yourself in the mirror. This is especially good for affirmations to improve your self-esteem and self-love. Look yourself right in the eyes and affirm your beauty, lovableness, and worthiness. If you feel uncomfortable, stick with it until you push through those barriers and are able to fully experience looking at yourself and loving yourself. You may find that some emotions arises and is released through this process. Number three, record your affirmations on a tape recorder, and play them to yourself around the house, while driving, and so on. Use your name and try doing them in the first, second, and third persons. For example, I, Shakti, am deeply relaxed and centered in myself. Shakti, you are deeply relaxed and centered in yourself. Shakti is deeply relaxed and centered in herself. Or you can record a little speech, maybe 3 or 4 paragraphs long, describing your ideal visualization of yourself or a particular situation, as if it were already true. This also can be done in the first, second, and or third person. Written. Number one, take a particular affirmation and write it out 10 or 20 times in succession, really thinking about the words as you write them. Change the affirmations as you go along if you think of better ways to say it. This is one of the most powerful techniques I've ever found and one of the easiest to do. I've devoted a chapter to it in part 4. Number 2, write or type out affirmations and paste them up in various places around your house or at your job as reminders. Good places are on the refrigerator, on your phone, on your mirror, on your desk, over your bed, or on your dining table. With others. Number one, if you have a friend who wants to work on affirmations as well, you can do them very effectively with a partner. Sit facing each other, look into each other's eyes, and take turns saying affirmations to each other and accepting them. David, Linda, you are a beautiful, loving, and creative person. Linda, yes, I know. Yes, I am. Repeat this 10 or 15 times the same way. Then switch partners so that Linda says the affirmation to David and he agrees with it. Then try it in the first person. David, I, David, I am a beautiful, loving, and creative person. Linda, yes, you certainly are. Repeat several times. Ways to use affirmations. Be sure to say the affirmations sincerely and meaningfully. Even if you feel a little silly at first, it's a wonderful opportunity to outflow love and support to another person and to really support the other person in changing his
or her negative concepts into positive ones. It's practically guaranteed that after doing this process together, you will be experiencing a deep, loving space together. Number two, in a more informal way, ask your friends to say affirmations to you frequently. For example, if you want to affirm that you are learning to express yourself more easily, you might ask a good friend to say to you often, Jenny, you are certainly speaking out and expressing yourself clearly these days. Make a game out of doing this for each other and you will find help. You will find it helpful. We automatically tend to give a lot of power to what our friends say to us, for good or bad. Our minds tend to accept what others tell us about ourselves. So getting strong positive feedback from friends in the form of affirmations really works. Yes, sir. I think it's 7 and we'll be like doing this much only today. You know, thank you so much for reading, sir. Thank you. Actually, you guys get opportunity only on Sundays, na? Yes. Sunday. So this is the thing. Yeah. I think we should do this thing ki Saturday, Sunday ko na, jo log baaki din nahi pad paate hain, wahi log padhe to zyada acha rahega. In this way, at least like 4 of us can get opportunity to read on the weekends, right? Okay. So yeah. So coming back to this, Shakti Gavin ne hame bataya hai ki affirmations ko hum kis tarah se kar sakte hain. Hum mein se bahut logon ko pata bhi hai ki hum logon ko meditation ke zariye sabse zyada unhone sikhaya hai ki kis tarah while meditation hum isko use kar sakte hain. हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं काउंट माय ब्लेसिंग्स हम लोग लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं बिकॉज दैट टाइम आवर माइंड इज इन द अल्फा स्टेट तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हम मेडिटेट करें हम अपने आप को मुझे तो सबसे अच्छा पता है क्या लगता है अपने वॉइस में हम रिकॉर्ड कर लें उसको और कानों में प्ले करें वाइल मेडिटेटिंग धीरे धीरे करके है ना या तो कोई हम जैसे वो सबलिमल होता है वो चला के अफर्मेशंस उसमें चलते रहें और हम लोग मेडिटेट करते हैं दिस इज द लाइक वेरी फर्स्ट थिंग और बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इनग्रेन हो जाएगा ब्रेन में क्योंकि दैट टाइम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हमारा जो भी हम लोग बोलते हैं जो करते हैं जो सोचते हैं जो क्योंकि हम उस टाइम ना हम लोग उसमें अपने कॉन्शियस माइंड को यूज ही नहीं करते हैं तो उस टाइम हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है उस टाइम उसके पैटर्न्स चेंज करना सबसे ज्यादा ईजी होता है That is the time when you can directly contact with the super conscious. That is the universe. हाँ आप universe में अपने बीज डालते जा रहे हो उस time पे अच्छे 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 बीज right? So this is the thing. Meditate करके हम affirmations को कर सकते हैं. While meditating we can use that. Now comes the spoken. हम लोग aloud बोल के बोलेंगे तो बोलने में एक frequency होती है sound. साउंड वेव फॉर्म में तो होता है ना हम लोगों को बाकी वेव्स तो नजर आती नहीं है वेव्स लेकिन वो लाइट है लाइट की वेव्स हमें नजर नहीं आती बट वो होती हैं राइट माइक्रोवेव्स होती हैं वो भी होती हैं तो इस तरह साउंड वेव्स जो है ना बहुत जल्दी ट्रैवल करती है स्पेस में है ना जिस साउंड के बाद मतलब लाइट के बाद लाइट की स्पीड हम लोगों को पता है फास्टेस्ट है तो साउंड जो है ना सेकेंड नंबर पे आता है सो अगर हम लोग अपने आप को अलाउड बोलें बहुत अच्छा लगेगा आपको आपको लगेगा कि हमें खुद को बोलना ना कई बार मुश्किल होता है औरों को अप्रिशिएट करना या औरों को अच्छी अच्छी बातें बोलना वी आर ऑलवेज प्रीचिंग यू नो ऑल ऑफ अस आर नो वन वांट्स टू लिसन टू एनीवन वी ऑल वांट्स टू स्पीक एंड लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ मैंने इतना स्ट्रेच कर दिया इस चीज को थोड़ा सा कम भी हो सकता था सो वी ऑलवेज वॉन्ट टू स्पीक गो ऑन एंड ऑन वी आर ऑलवेज लाइक वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन द कम्युनिकेशन Whereas, जो पैसिव होते हैं जो लिसनर्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोग कितने अच्छे से मुझे सुन रहे हो तो यू आर ब्यूटिफुल एंड वेरी वंडरफुल लिसनर्स राइट सो इस तरह से हम लोग जब अलाउड और उनको प्रीचिंग करते हैं बोलते हैं उस तरह से अलाउड जब हम अपने आप को भी बोलेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में जाएगा सो इसलिए ये बोलती है शक्ति गवेन बोलती है कि आप चाहे अलाउड बोलो और आप साइलेंटली भी बोल सकते हो अब सुबह सुबह उठ के जब हम एफर्मेशन कर रहे होते हैं जब हम तब हमारे लिए थोड़ा सा वॉकवर्ड हो जाता है कि जोर जोर से बोलेंगे तो उस टाइम आप बोल सकते हो सोते टाइम और सुबह उठते ये दोनों टाइम बेस्ट है एफर्मेशन के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी बोला था ना कि हम लोगों को बिल्कुल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में करना है एफर्मेशन लिखना है बोलना है मेडिटेट करते हुए उन्होंने बोला था लिखने का तो उन्होंने नहीं बताया था लिखने का तो शक्ति गवेन ही बता रही है पर उन्होंने ना मेडिटेट करने का बताया था लास्ट बुक जो हमने पढ़ी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसमें तो
हम लोग अपने मन में सोच सकते हैं, चाहे हम लोग बोल सकते हैं, अपने आप को मिरर में देख के बोलना, ये मैंने इतना पढ़ा है ना इसके बारे में कि जब हम अपने आप को अफर्मेशंस जो है मिरर में देख के बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम करता है वो सेल्फ लव को। आप मैंने आपको उस दिन बोला था ना शायद मिरर प्रैक्टिस के टाइम पे कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को जैसे हम लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, अप्रिशिएट योरसेल्फ लाइक दैट, अपने आप को उस तरह से अप्रिशिएट करो। जो अफर्मेशंस है वो भी तो अपने को ही तो अफर्म कर रहे हो ना, तो इस तरह से हम अगर अपने गोल्स को, हम अपने जितने भी हैं उनको अगर हम मिरर के सामने बोलते हैं ना, और अच्छे से वो होता है और यूनिवर्स के पास वो वाला जो इंफॉर्मेशन है बहुत जल्दी रीच करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप मिरर के सामने देखकर भी उसको बोल सकते हो, मिरर पे स्टिकर लिख कर चिपका सकते हो, इस तरह से कर सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर, सारा सारे के सारे तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, तो शक्ति गवन ने बहुत सारी अफर्मेशन दी थी, छोटे 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 जो फ्रेजेस है ना उनको लेके हम चिपका सकते हैं, एंड वी विल कीप ऑन रिपीटिंग दोज, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है, उसके बाद से हम ऑब्वियसली हम अपना रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड कर सकते हैं अफर्मेशन को। अफर्मेशन में आप अपना नाम लेके रिकॉर्ड करो, कहती हैं कि आप अपने आप को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से रखता, आई आई वाले सारे के सारे फर्स्ट पर्सन वाले होंगे, आई प्रिया तो वो फर्स्ट पर्सन वाला होगा, सेकेंड में यू प्रिया यू आर ब्यूटिफुल ये बोल सकते हैं ना, तो दैट टाइम्स यू आर सेइंग दैट टू योरसेल्फ, यू विल फील दैट समवन एल्स इज लाइक आपको कोई और बोल रहा है, सो दैट टाइम आपको लगेगा कि नहीं आई एम एक्चुअली, वरना क्या होता है कई बार हम लोगों को लगता है क्या मैं प्राउड हूँ, नहीं मैं तो प्राउड नहीं हूँ तो मैं कैसे अपने आप को खूबसूरत बोल सकती हूँ, लेकिन जब वो चीज आपको किसी और ने बोली है तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है जो सब बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को भी अफर्म करते हैं सेकेंड पर्सन यूज करके यू। देन कम्स आप अपने आप को ऐसे ही बोल सकते हो अपना नाम लेके, प्रिया यू आर वंडरफुल, है ना, जो भी बोलना है नाम यूज करोगे ना जब, इसीलिए मैं हमेशा ना कहती हूँ कि नाम में बहुत ज्यादा पावर होती है, आपका नाम आपका रिकॉग्निशन है, और वो नाम जब आप अपने आप को बार बार सुनाओगे अफर्मेशन के साथ दैट विल मेक वंडर्स, बहुत जल्दी आपके जो न्यूरल पैटर्न्स है ना वो चेंज हो जाएंगे, है ना, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद कहती है शक्ति गवेन कि आप लिख सकते हो, जैसा कि मैम ने हम लोगों को पहले भी दिया था ना कि उनको लिखने के लिए आप 6 बार लिखो, 5 बार, 50 बार, जितने बार आप लिखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है आप 10-20 बार लिख सकते हो, उसको लिखो, लिख कर रोज लिखो, रोज लिखो, लिखते जाओ, लिखने में कई बार बहुत एनर्जी आती है हम लोगों को, लिखते जाओ, कई बार हमें लगता है कि बोलने से क्या होगा या बोलने का टाइम नहीं है, कोई पास में बंदा खड़ा है, या हम लोग कई बार ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होता है ना द वन हु आर इंग्रॉस्ड इन देयर नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग के अंदर, जब हम बहुत ज्यादा इंग्रॉस्ड हो जाते हैं ना तब हमारे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है, हम आंखें बंद करें तो हमारे सामने पूरा नेगेटिविटी का समंदर आ जाता है, उस टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं, लिख कर मतलब फीलिंग के साथ तो नहीं लिख पाएंगे उस टाइम पे, लेकिन हम लोग अगर लिखेंगे ना बार 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 लिखेंगे तो रिपीट करने से वो हमारे दिमाग का पैटर्न बन जाएगा, हम उस वे में हो जाएंगे। एक और चीज है जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि झूठ है ये, तो ये ऐसा तो है ही नहीं, क्या मैं वर्ल्ड मैं के रिचेस्ट हूं या क्या मैं द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड हूं, नहीं हूं मैं तो मैं कैसे इस बात को झूठ बोलूं, ये तो झूठ है, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या है ना आप एक्चुअली अपने में यूनिक हो, आप जितने भी हम लोग एंटिटीज हैं जितने भी हम लोग पीपल हैं यहाँ पर आप यूनिक हो, तो आप अपने आप को बोल सकते हो और वो सच हो जाएगा, बार 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 रिपीट कर कर ही तो आपने अपने नेगेटिविटी के कारण ही तो आज अगर आपके लाइफ में हर्डल्स हैं वो हर्डल्स लाए हो ना, तो रिपीट करो अपने पॉजिटिविटी को रिपीट करो तो आपके लाइफ में वो चीज आएगी ही आएगी, आप एक्चुअली यू आर बॉर्न टू हैव रिचेस, तो आप वो करोगे ही, आपके लाइफ में वो आएगा ही आएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने उस चीज को रिपीट करना है लिख कर। उसके बाद बोल रही है कि आप अपने फ्रिज के ऊपर या जो भी लाइक फ्रिक्वेंटली विजिटिंग प्लेसेस है ना किचन में, हम लोगों को अपने किचन से बहुत प्यार होता है तो किचन में हम लोग चिपका सकते हैं या मिरर पे चिपका सकते हैं, बाथरूम के वॉल्स में हम लोग, अब लू में बहुत सारा टाइम हमारा जाता है तो लू में बैठकर अपना एफर्मेशंस देखो, वाह सामने लिखा हुआ है ये, तो ये चीज है, ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद
विद अदर्स बोला हुआ है. आप अपने फ्रेंड के साथ आप मतलब मान लो हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग ए सेम जर्नी में है ना, तो हम आपस में ना कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इस तरह का कि चल यार 5 मिनट की ना ये वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये प्रियंका और श्याम सर तो बिल्कुल कर ही सकते हैं कि दोनों इसी जर्नी में है, तो आपस में बोल बोल के भी कर सकते हैं कि यार दिस वे. तो अफर्मेशन कैन बी डन दिस वे ऑल्सो. बच्चों के साथ हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि टू वे जाएगा ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा. टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर टू यू नो एब्जॉर्ब. आप बोलोगे दूसरा बंदा बोलेगा, तो वो सारे की सारी अच्छी अच्छी बातें वो हमारे दिमाग में आ जाएंगी. बेसिकली क्या है कि हम अपने दिमाग के जो न्यूरल पैटर्न्स है ना उनको चेंज कर रहे हैं. जो हम लोग जिनके साथ हम लोग पैदा नहीं हुए थे, जो पैदा हुए थे ना बच्चे को कुछ नहीं पता होता, लेकिन इन द कोर्स ऑफ द टाइम आपको यहाँ से वहां से जो भी हम लोग मिलता जाता है, हमें जो भी जो बातें बोलते जाते हैं, जितना भी हम लोगों को सुनने को मिलता है, वो सारा का सारा हमारे माइंड में वो पैटर्न के रूप में बन जाता है. और लेटर इन आर लाइव्स हम लोगों को हमेशा ही वो आता है. जैसे मेरी एक मतलब हम लोगों के बहुत ज्यादा ये न्यूरल पैटर्न जिस तरह से होता है ना कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, तो वो गरीबी में से बंदा वो उठ ही नहीं पाता. या हमारे दिमाग में कई बार ये पैटर्न बन जाता है कि मैं तो बीमार हूँ. आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके जो ना मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, और वो यूं कहेंगे कि मैं तो बीमार हूं. अरे वो बीमारी वो कहीं उनके फिजिकलिटी में नहीं है, वो उन्होंने अपने आप को बीमार सोचा हुआ है इसलिए वो बीमार है. मैं ऐसे ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि ना चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे कोई हार्ट का और पेशेंट हो, चाहे कोई ब्रेन का पेशेंट हो, उसको वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीमारी सबसे बड़ी है. तो लो भाई आपकी बीमारी एक्चुअली सबसे बड़ी है. तो आप जो नेगेटिव बातों को शुरू से बोलते आए हो, बोलते आए हो, बोलते आए हो, वो आप वैसे ही लास्ट में हो जाते हो, है ना. यू बिकम वॉट यू आर रिपीटिंग टू योर सेल्फ. यू एक्चुअली बिकम बैड. सो वाई नॉट डिलीबरेटली डू इट, है ना. आप अपने आप को डिलीबरेटली पॉजिटिव थॉट्स डालो ना अपने अंदर, फिर आप वैसे भी तो हो जाओगे. सो ये हम लोग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो ये कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कहा है कि कॉन्वर्सेशन में आप अपने अफर्मेशंस को एक दूसरे से बोलकर रिपीट कर सकते हो. फॉर्मल वे में बोलो, इनफॉर्मल वे में बोलो, किस तरह से भी हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन में यूज करके. मुझे लगता है हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 तक पढ़ा था. यस, पॉइंट नंबर 2 भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से हम लोग बार बार एक दूसरे का नाम लेके बोलेंगे ना, तो वो चीजें हमारे माइंड में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब होती जाएंगी. कि जैसे मैं आपको बोलूं कि अपने फ्रेंड को बोलूं, मैं किसी को मान लो नमिता है मेरी फ्रेंड, नमिता यू आर ब्यूटिफुल, यू आर डूइंग दिस, मत ये तुम यू आर बॉर्न टू लाइक यू आर बॉर्न टू हैव एक्सेलेंस इन योर लाइफ. तुम जो हो ना अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ोगी, तो उसको भी लगेगा कि बार बार उसका नाम आ रहा है ना, नमिता नमिता नमिता, तो ये चीज ना कानों में उसके गूंज, जैसे कि वो सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं ना, वो एक चीज बार बार आपके कान में वाइब्रेट करते हैं शू 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 करके. तो आप वो शू 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 करके पॉजिटिविटी को वाइब्रेट करवाओ अपने दिमाग में, फिर आप देखो कि आपके दिमाग के जो पैटर्न्स है ना किस तरह से ब्यूटीफुली चेंज होते हैं, राइट. सो हम लोगों ने मुझे लगता है कि ये थर्ड पॉइंट से कल पढ़ना है, तो यस हम लोग ये कल यहाँ से पढ़ेंगे. सो या थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. एक्चुअली यू आर वेरी गुड लिसनर्स, है ना. कोई भी चूं की आवाज का कुछ भी नहीं हुआ. मे बी प्रियंका बस को होस्ट हो सकता है, वो डील कर रही हूँ कि भाई म्यूट करने में, बट या नहीं आई नहीं एक्चुअली प्रिया, लाइक या आपने आई एक्चुअली मतलब वॉन्ट टू थैंक यू. आना में नहीं कि इतना ग्लूड था, ऐसे लग रहा मेरा मन नहीं कर रहा था प्रियंका कि मैं पानी की बॉटल तुम ही बोलती उठाऊं. इतना, मतलब ओ सॉरी इतना प्रिया तुम इतना बोलती अच्छा. इतना प्यारा हो तो थैंक खुशी यू सो मच, सुनना मन इट्स सो करता इनफॉर्मेटिव, इट्स है। सो हाँ इतना इनफॉर्मेटिव, सो नॉलेजेबल. आई वाज अच्छा जस्ट बोलती हो तो मतलब भी अमेज्ड. चुप रहते हैं हम लोग। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था ये बोलती जाए बोलती. और यू नो वन थिंग, जब से मेरा 2-3 दिन से ड्राई आईज हो रही है, बिकॉज व्हेन यू डोंट ब्लिंक योर आईज राइट, यू सब ये बोलती, मैं इसको ऐसे सुनती हूँ. मैं इवन दिखती वो बोलती, मैं ऐसे सुनती हूँ ऐसे, आई डोंट ब्लिंक माई आईज, एंड ड्यू टू दैट मेरे आईज में ड्राइनेस हो रही है. और मेरे को बच्चे बोलते हैं जी जो आप चिपक जाते हो स्क्रीन से, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, आपने कानों से सुनना होता है. तो मैं बोलती हूँ नहीं, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं हमें समझाने में, यू नो. तो पहला ग्रैटिट्यूड तो यहीं से शुरू हो जाता है कि जब कोई बोल रहा है तो इधर उधर ना ध्यान दे या कुछ ऐसे. मैं तो बच्चों को आंखों से जैसे धमका देती हूँ, वो अलग बात है जब कोई इमरजेंसी है वो दूर से पूछते हैं हम आ जाएं, हम आ सकते हैं. मतलब वो इशारे से पूछते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रैटिट्यूड स्टार्ट्स व्हेन समबडी इज पुटिंग सो मच एफर्ट्स डिलीजेंटली एंड
दीप्ति का तो चलो लेवल मैं उसकी बट यू नो मैं मानती हूँ कि प्रिया हम सब में से एक है, बट टुडे प्रिया का लेवल वॉज आउट ऑफ द वे, मतलब पता नहीं कहाँ थी, चांद पे प्रिया थी और हम ऊपर ऐसे सुन रहे थे उसको. प्रिया मैम, एनर्जी लेवल दी बिल्कुल सेम था मोटिवेशनल एट द गुरु एवरीथिंग. टॉप. टोटली एग्री मतलब विद यू थैंक यू रैना. सो मच, या थैंक सो यू, आई एम थैंक यू सो सो मच. वी आर यू ऑल आर ऑसम, वंडरफुल पीपल एक्चुअली. सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू ऑसम सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट, ईच एंड एवरी एटम. हम लोग अब एटॉमिक लेवल पे आ गए हैं ना, एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे. एक्चुअली आप लोगों को लगता है ना कि प्रिया इज पुटिंग सो मच इनटू इट. नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लिव माई लाइफ, मैं भूल जाती हूँ. मैं अपने सबके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन आप यकीन मानो मैं इस टाइम भूल जाती हूँ पूरी तरह से. मैम जब पढ़ा रही होती है, मैम जब समझा रही होती है, तब भी जब मैं सुन रही होती, कोई भी बोल रहा होता है, चाहे वो पूनम मैम हो, जो सुनैना हो, चाहे आप सब जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, मैं खो जाती हूँ उसमें. मैं भूल जाती हूँ, टोटली ओब्लिवियन टू एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ. आई एक्चुअली बिकम ओब्लिवियन दैट टाइम. मुझे नहीं पता होता कि मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, मुझे नहीं पता होता कि किचन में क्या बना रही है, कुछ नहीं पता होता. मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज माय थोड़ा सा टाइम और ले लो, एंड थोड़ा आई लव दिस टाइम. यू नो मुझे सा और बहुत ले लो. ज्यादा इस अनारस टाइम भी है पे ना. मुझे सब बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक काइंड वर्ड्स, पूनम मैम, यू, सुनैना थैंक एंड यू सो मच. एवरी वन को, श्याम जी, मैं सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब थैंक बहुत यू. बड़ी आज बात है. गाना मतलब गाना है ना थैंक प्रिया, यू मैम, और थैंक गाना यू मैम. श्याम सर आज प्रिया के लिए गाना गाना सुनैना गाइए. आपको गाना है भाई, आज आप हाँ सुनैना, आज आज तो सुनैना आपको ने गाना गाना है, गाना है, शाम को गाएंगे, सुनैना तुमको भी गाना है सुनैना आज. ने हाँ मैंने सुनैना दी ने गाना है पहले तो. यस यस यस, उसके बाद ड्यूअल चलेगा, ड्यूअल या ट्रिपल भी चला सकते हैं. सर मैंने मैंने कब मैंने तो नहीं बोला था, मैंने नहीं, सच दीप्ति में मैम को तो मैंने लास्ट वीक बोला था संडे क्या? आना था जी सेम. संडे आ गया यस. है. अच्छा इट्स संडे या सैटरडे नहीं, संडे है, संडे है यार. संडे हो गया है, उसका सैटरडे होगा ये ना. श्याम सर वो मेरे मैजिकली वो तीन पीपल में से एक बन गया जिन्होंने मेरी लाइफ में वो स्पार्क ऐड कर बिल्कुल मैम, दी. नहीं, ये मैंने ग्रुप में भी बोला है ना प्रिया, वो मॉर्निंग के ग्रुप में कि हाँ बोला था उन्होंने, वो जब आई वो मेंशन इवनिंग योर ग्रुप में नेम, ना रिजॉइस ट्रेजर में, वो कहाँ पे कॉफी पी रही ट्रेजर थी में इसने बोला था कि वो चल वाला, रहा है, जब इस दिन वो वाला चैप्टर ना सुनैना ले रही थी कि वो वो थ्री मेड पीपल डिफरेंस हु हैव इन योर चेंज्ड लाइफ. इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ, या उसमें श्याम सर या इसने आपका नाम लिया था थैंक कि यू. श्याम बिकॉज़ जी इज वन ऑफ दोज पीपल, यू नो उन्होंने बोला था यू आर वन ऑफ देम मैंने एक्चुअली. सर आफ्टर वाओ, सो फिफ्टीन काइंड. इयर्स मैंने जिस दिन आपने मेरा नाम लिया, मैंने 15 साल बाद, दो आई आई वाज अ वेरी बाय गॉड ग्रेस, मैं अभी भी हूँ. मैं चलो अभी मैं रियाज नहीं करती, मैं बहुत एस्टेब्लिश सिंगर रही हूँ स्टेज लेवल पे, बहुत नेशनल लेवल पे, पार की तो नजर है, पार की बहुत नजर है. तो है. सर ने जब बोला तो उस दिन मेरे बच्चों को भी पता लगा कि मम्मा. तो मैंने मैंने शायद प्रियंका को कभी बताया होगा कि मैं गाती थी, शायद इसलिए प्रियंका ने शेयर किया होगा. तो मैंने फिर उस दिन 2 घंटे तो मैंने खूब गाने गाए, ऑल्दो मैं वाह, वो लता और मुकेश की फैन हूँ, तो मैं तो बहुत पुराना ओल्ड स्कूल हूँ, अरे बट वाह यू नो सर का तो नहीं, मेरे मैं सर से कंपेयर नहीं कर सकती रिली में, क्योंकि गाना मेरे लिए साधना है. मतलब मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती डॉक्टर बनाया, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने सिंगर बनना था. अमेजिंग मैम, अमेजिंग. है ना. मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम आपकी वॉइस सुनी थी सेशन में, मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने प्रियंका को यही कहा था कि कितनी कितनी कूल और कितनी अच्छी वॉइस है इनकी, मैंने कितनी स्वीट वॉइस है. मना कर रहा और है, मैंने इसको ये एक्साइटेड कहा था बैठा कि मैंने कहा हुआ ऐसी भी लेडी होती है यार दुनिया में, देखो कितनी आराम से बोल रही है, कितनी शांत तरीके से बोल रही है. क्योंकि इनको आदत नहीं है ना, मैं तो इतने शांत से बोलती नहीं हूँ. अरे तो ये यहाँ ना ये तो स्टार्ट पापा सिंगिंग, मैम तारीफ ओके कर आई एम लिया, लर्निंग उसको फ्रॉम मैंने यू. सिर्फ बनाया सॉन्ग सुनना है. 2 लाइन, ओनली 2 लाइन्स, क्योंकि ना मैं सच में मैं बिना टू लाइंस रियाज भी के बहुत गाना अच्छे चाहती होते हूँ. हैं. मैम ठीक है डन है, मतलब मैं चलो शुरू नोट्स करो, कर सुनैना लूंगी. हो गया, सभी विजय इंट्रोडक्शन सर तो हो गया, वेटिंग आपको सभी अभी जानते हैं वेटिंग बहुत अच्छे से, सोना आज तो सोना. नहीं विजय छोड़ने सर वाले. की हाँ नहीं आई, विजय सर सोना अभी हाँ विजय सर, बोलेंगे हाँ तो कर कभी. दीजिए प्लीज. सर मस्ट बी हेयर ओनली, सर तो सेशंस में होते ही हैं हमेशा. या विजय सर चलो ये हैं. मेरा एक बहुत, मैंने ये गाना बहुत गाया और आप ग्रुप में से काफी लोगों ने, मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी भेजी इस गाने की, 2 लाइनों की.
ये सलमा आगा का गाना है, निकाह पिक्चर का, फजा भी है जुआ जुआ, अगर आप लोगों ने अरे सुना हो वाह तो। क्या बात है, ऑफ कोर्स ओके सब प्लीज नाइनटी ना, फाइव प्लीज को सुनना है। मुझे सुनने के बाद भी प्यार करना हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ओके थैंक यू यार, ऐसे सब देख रहे हैं। एक काम करो तुमको तो सारे कैमरा नाइन केवल खाते हो, कभी ना आठ कभी लोग दिखा देख रहे हैं, पाएंगे। बाकी सब सब वो हम है। लोग आजू बाजू इधर उधर देख लो, सारे इसके तरफ मत अरे देखो भाई। लाइव आके अपनी आईज बंद कर लो। मैं क्या कैमरा ऑफ कर सकती हूँ क्या, नो ये पॉसिबल? नो 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 नॉट एट नहीं, ऑल। नहीं, बंद करेंगे हम। स्टार्टिंग में ऑफ कर दीजिए, बाद में ऑन कर दीजिएगा। ओके नहीं फिर तो गाने ही खत्म हो जाएगा। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। बस इतना ही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भी वाह ऑथेंटिक टू ब्यूटीफुल कंटेंट मैम, है यार, ब्यूटीफुल वॉइस मैम, क्या बात, लवली ब्यूटीफुल लवली ब्यूटीफुल, लाइक इट इज सो अमेजिंग। नाइस रहना चाहिए ऐसे, नहीं मेलोडियस। चलेगा। नेक्स्ट संडे डांस फुल सॉन्ग कॉम्पिटिशन की प्लीज। तरह हो गया हाँ ये फ्रेज, पूरा करना था। हाँ हाँ वो रहना बहुत देव से निकला हुआ गाना सूट था, वो भी गा दो हाँ ना। बहुत ब्यूटीफुल। मैं पक्का गाऊंगी, पूरा रियाज पूरी तैयारी के साथ, यू नो। एंड दिस इज वेरी अभी डिफिकल्ट। चांस बहुत अच्छा आया। आओ थैंक यू सो मच। अब सर की आओ बारी श्याम है। भैया, श्याम भैया गाना, थैंक फिर मेरे को मंदिर यू, जाना है। वेलकम बैक सरिता जी, यस थैंक यू थैंक यू। वी वर रियली गाइए मिसिंग मिस यू, कर रही थी आपका रियली गाना। रियली वी वर आल्सो मिसिंग यू, और आपकी एनर्जी हम मिस कर रहे थे सभी लोग। चलिए आज गा देते हैं अच्छा गाना आपके लिए मैम, आपके बर्थडे का भी ड्यू है। बिल्कुल ड्यू है, अच्छा गाना, बिल्कुल। अच्छा गाना क्या मतलब? सर आप तो इतनी अच्छी जगह में बैठे हुए हो, विजय सर पता नहीं कहाँ पर। बैकग्राउंड नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बैकग्राउंड स्क्रीन। ओ माय गॉड, आई थॉट यू आर चेंज इन गोवा। कर रखा है सर ने। आई गोवा तक सेम, कुछ या आई आए सो इट सर। वाज थॉट दैट। चलो ठीक गुड, है मैम, ओके श्याम सर प्लीज या कम। या पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। ब्यूटीफुल हाँ सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुंदर गाया आपने तो, अमेजिंग। बहुत मेरा प्रियंका तो फेवरेट जी, सॉन्ग है ये। बहुत प्रियंका जी इनफैक्ट इसके बहुत। सारे गाने निकल निकल मेरे के आ हस्बैंड रहा ने है। जब पूछा था ना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो मेरे को तो यही आया था कि दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। रियली वाह, रियली वन ऑफ द इट्स बेस्ट एब्सोल्युटली किशोरदास सॉन्ग, आई मीन दिस इज आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट सॉन्ग। ईच एंड हाँ एवरी लाइन इज बिल्कुल, सो मीनिंगफुल श्याम भैया। यस या अमेजिंग थैंक यू श्याम जी, सर, थैंक अमेजिंग यू, अमेजिंगली सॉन्ग। या थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्यूटीफुल सो मच, सॉन्ग। थैंक यू थैंक एवरीवन।
यू प्रिया ने आज गाना था थैंक यू एवरीवन प्रिया प्रिया गाना गाओ प्रिया तनेजा यू वांटेड टू है ना प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस टुडे एक्चुअली मैं कल हॉस्पिटल से आई थी अभी कुछ दिमाग में नहीं है अगर कोई एक सॉन्ग बोलिए तो वो गा लेते हैं अच्छा चलो मैं गा रही हूँ लेकिन ना कुछ अदरवाइज भी मत लेना ये अब तो अदरवाइज ले लेंगे भाई नहीं मेरे को जो अच्छा लगता है मैं तो वो गाती हूँ चाहे कोई कुछ भी समझता रहे ठीक बिल्कुल बिल्कुल है मैं वही बोल रही गाओ हूँ ठीक है ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया अभी तो यही था अभी खो गया हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तो इनकार सजना है ये प्यार सजना हो गया थैंक यू बिल्कुल समझेगा प्यार तो हम लोगों को है ही हम बहुत सबको प्यार है अच्छा ना गाना बस ब्यूटीफुल बहुत हमको भी अच्छा प्यार गाती हो हो तुम गया तो कैन आई से या समथिंग यस प्लीज डू सुनैना थैंक यू सो मच प्रिया ओके फॉर सिंगिंग फॉर अस प्रिया श्याम सर सॉरी एंड सुनैना या थैंक यू कंचन्स सो हैंड इज मच ऑल्सो रेज्ड प्रिया या कंचन्स हैंड पर फर्स्ट यू कैन आस्क हर कंचन हाँ कंचन लाइक या यस सो सिंग टू लाइंस इफ यू परमिट मी प्लीज 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 डू लाइक यू सेड ना कि यूनिवर्स हमारे अंदर भी है और बाहर भी है एब्सोल्युटली अबाउट दैट आई एम सिंगिंग जब अपने ही घर में खुदाई तो काबे पे सजदा कौन करे जब अपने ही घर में खुदाई तो काबे में सजदा कौन करे जब दिल में ख्याले सनम हो से तो गैरों की पूजा कौन करे पर दे तलक सब सजदे सजदे तलक सब पर्दे जब पर्दा उठा तो आप हुआ फिर आप का सजदा कौन करे जब अपने ही घर में खुदाई हो तो काबे में सजदा कौन करे जब दिल में ख्याले सनम हो बसे तो गैरों जा कौन करे थैंक यू एवरीवन ब्यूटीफुल लिरिक्स ना और थैंक ब्यूटीफुल यू मैम सॉन्ग मतलब इट्स अ मैंने कभी ब्यूटीफुल सुना नहीं है सॉन्ग बट ऑल्सो लिरिक्स लिरिक्स नहीं कितने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग बहुत बट इट्स अ अच्छा वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग या आई हैव हर्ड इट हाँ ब्यूटीफुल लाइक या आई लाइक ये बहुत अच्छा गाया आपने और इतना सुंदर सॉन्ग है एक्चुअली हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है एवरीथिंग इज विद इन अस थैंक यू सो मच फॉर अंडरलाइनिंग दैट कंचन जी या या थैंक यू मैम थैंक यू सो थैंक यू मच एंड लाइक वी आर सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी टू बीइंग सराउंडेड विद सो मेनी ब्यूटीफुल थैंक सिंगर्स बहुत सारे तो छुपे रुस्तम भी होंगे यू थैंक यू सो मच यस सुनैना यू वांटेड टू से समथिंग हाँ जी मैं ना आजकल ना मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरे दिमाग एक तो मेरी शेयरिंग भी है लाइक जैसे आप अभी हम लोग एफर्मेशन की बात कर रहे थे ना कि हम फिजिकली करते हैं बिलीविंग दैट कि ओके मैंने अपने फ्रेंड को बोला तो मी एंड माय डॉटर हम लोग एक चीज बहुत करते हैं मैंने रणवीर अरवादी के पॉडकास्ट पे जाना है विच इज माई लाइक ड्रीम जो कि मेरे को मैनिफेस्टेड है ओके तो मैं और रूही कब से हम ऐसे करते हैं तो मैं एक सिलैब बनती है और वो रणवीर बनती है और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है सो कैन यू प्लीज टॉक अबाउट योर जर्नी व्हाट हैपन इन योर बिजनेस यू नो एंड आई स्पीक लाइक या श्योर एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज गिव मी अ नैपकिन सो मैं पूरा वैसे ही ना लाइक पूरा वैसे ही जैसे मैं उसके शो पे और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछती है हम ये एक तो ये करते हैं सेकेंडली जैसे मेरा ड्रीम है मैंने बहुत बड़ा घर है मेरा और मैंने ना दो शेफ रखे हैं उनका नाम है जॉन और एलेक्स और गे है वो बाय चांस सॉरी तो कल मेरे ऐसे कटिंग चॉपिंग कर रहे थे मुझे टमाटर का मैं बोली थी जॉन कैन यू प्लीज टेल विनय टू स्टॉप इट यू नो इट्स योर टर्न नाउ
तो वो एलेक्स मेरे पास आके बोलते हैं, सो आई कांट टेल योर हस्बैंड, ही इज सो एडमेंट, यू नो. सो हम लोग ऐसे खेलते हैं, लोग लोग घर में ना इस तरह से वो पूरा सीन क्रिएट करते हैं. और दो पेट्स हैं, जॉय और मैजिक, जिनको मैं बुलाती हूँ. मतलब हम पूरा, मैं वो पूरा घर में ही पूरा खेलती हूँ. मुझे सब पागल ही बोलते हैं कि ये पागल है, बट बिलीव मी ये चीजें, और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट इट लिफ्ट यू सो मच अप. वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी एलिवेट हो जाती है, मतलब रणवीर को खुद नहीं पता मैं उसके शो पे कितनी बार आ चुकी हूँ. तो इट इज लाइक दैट, मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ इस चीज को, बिकॉज वो मेरा ड्रीम है वहां जाना, और दैट हाउस और वो सब कुछ, मतलब ये सब मैं करती हूँ. इट रियली गिव्स यू सो मच जॉय, एक्साइटमेंट, यू नो. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. एक Yeah, सेकेंड चीज, worth trying. ना मैं आजकल रात को मैं शेर भी बहुत लिखती हूँ. तो एक आज अपने मिरर पे बोला था, तो एक शेर है, एक शख्स है जो आईने के उस पार रहता है, एक शख्स है जो आईने के उस पार रहता है, तू बदल गया है यार, बस बार बार यही कहता है. क्या बात है, वाह 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 वेरी वाह वाह, ब्यूटिफुल मैम, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी डीप, वेरी डीप. हाँ, और इन एक सो एक मेनी और टैलेंट्स. आपने एक एक चीज गौर करी, वो देखो प्रियंका कहाँ पे बैठी है, अभी राइट जगह पे बैठी है, जब श्याम जी गाना गा रहे थे तभी बैठ जाती. अच्छा, नहीं, जस्ट चलो वन सुनाया, मोर. दूसरा सुनाओ. हौसला इतना बुलंद है हमारा कि पर्वत में भी दरार आ जाए. हौसला इतना बुलंद है हमारा कि पर्वत में भी दरार आ जाए. हम तो बस अब यही चाहते हैं कि अब कोई हमें भी आजमाए. क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट क्या बात है एन मेरे. व्हाट शेर शायरी, क्या बात है, बहुत अच्छी, अच्छा मैं सुनिए, बहुत टैलेंट हो. आपके ड्रीम्स में मैं आती हूँ या नहीं आती? सॉरी, आपके मैनिफेस्टेशन में या ड्रीम्स में मैं आती हूँ या नहीं आती? तुम आती हो प्रिया, तुम लाओ तो भाई इतनी हम बड़ी सबको. अरे स्लैब बन के आती हो, क्या वाह बताया क्या तुमने. बात है. तो रणवीर प्रियंका चलो, ने तो ओके स्कूल भी खोल लिया अपना. जाऊंगी तो थैंक यू एवरीवन, ना. शैल वी हेलो, लॉग इट ऑफ इज रणवीर नाउ. सिंह और रणवीर कपूर. सॉरी हाँ, तो मैम, रणवीर अनाबादी अब. रणवीर कपूर और सुनैना रणवीर दी और सिंह. प्रिया तीनों जाएंगे. रणवीर अच्छा, ओके. सिंह है कि रणवीर कपूर है तुम्हारे उसमें? रणवीर ओ अलावादी मैम, जिसका एक वो पॉडकास्ट है, रणवीर अलावा अभी प्रिया रणवीर, उसका कोई नाम नहीं मुझे याद आ रहा. द अलाहाबाद, बियर या सेट, वो उसका किस नाम से आता है, उसका आर करके आता है ना क्या, बियर, बियर उसके बाइसेप्स, दो बियर नाम है, बियर बाइसेप्स के नाम से बाइसेप्स आया है, उसका. बियर बाइसेप्स है जो हिंदी वर्जन है, और एक बियर बहुत बाइसेप्स पसंद है, आई इंग्लिश लव है. दैट गाय, बहुत अच्छा लगता है मुझे. अच्छा यार, आई एम टेलिंग हाँ यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे कपिल शर्मा के ना उसमें जाना है, शो में जाना है, और उसके साथ खूब सारी चिट चैट करनी है स्टेज पे मैनिफेस्ट करो ना, जाके. वी हैव गॉट द टूल ना, मैनिफेस्ट करो प्रिया, प्रैक्टिसेस करो, मैनिफेस्ट करो आप और जाओ सारी कपिल चिट शर्मा के चैटिंग शो. करो, जल्दी से जल्दी जाऊं. प्रिया मुझे तो वो मिल गया था धर्मशाला में, अच्छा. लास्ट ओ वाओ, टाइम एंड ही वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. ओके, वाह, माय चलो बर्थडे लेट्स पर. लाइक आई थिंक वी शुड लॉग ऑफ नाउ, बहुत सारे यस, लोग हैं यहाँ पर, है ना, वी शुड लॉग ऑफ बाय. एंड यस, वी शुड स्टार्ट अ डे बाय विद बाय दिस एवरीवन, अ मैनिफेस्ट. मैजिकल ब्लेस्ड थैंक डे विद लॉट्स ऑफ लव. यू प्रिया, थैंक थैंक यू यू, प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक थैंक यू, यू, हैव अ यू मैम, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट संडे, आपने सारे प्रैक्टिसेस करे. एंड डे. एज अ रिमाइंडर, वो मैम ने कहा था ना 21 ब्लेसिंग्स लिखने के लिए, एज अ रिमाइंडर कि हम लोगों को वो जिन्होंने लिख चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो हमें भी लिखना है वो 21 ब्लेसिंग्स, 10 + 11, 10 काउंट में ब्लेसिंग्स एंड 11 जो है हमारे जो रिमेम्बर द मैजिक है वो वाला. या सो थैंक यू सो मच एवरी वन, थैंक यू, सी थैंक यू, यू ऑल बाय. थैंक टुमारो विद दिस न्यू लव यू, जेस्चर बाय. एंड एवरीथिंग, बाय. बाय.